जी शुभ नाम क्या है? नरेंद्र बंसल। बंसल जी, नरेंद्र भाई स्वागत है। अभिनंदन ने अतिक्रमण का फरमान आ गया योगी जी महाराज की तरफ से कि अतिक्रमण इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, शहर शहर आदेश आ गए, सख्त तेवर हैं। और गौतम नगर में कल जो है 35 ध्वस्त करी बाबा बुलडोजर ने, जो अवैध मार्केट थी वहाँ पे 35 दुकानों को। क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर सिटी की तमाम सड़कों पर जाम लगा रहता है, आवागमन में दिक्कत होती है, बहन बेटियों की स्कूटियों से एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बूढ़े भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, अवैध टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो अवैध टैक्सी स्टैंड हैं उनको तो एक स्थान देना चाहिए। ये जगह जगह कहीं भी टैक्सी स्टैंड बन जाता है, कहीं भी खड़ा कर देते हैं, वो गलत है। सर बिल्कुल, बंसल जी देखे तत्कालीन रविंद्र कुमार जी जो यहाँ पे DM साहब थे, जो जेल परिसर है वहाँ पे इनको कराया व्यवस्था बनाई हुई है लेकिन नहीं मान के देते हैं, और टिर्री बहुत सारे ऐसी चीज़ें। इसके साथ साथ जो दुकानदारों ने सामान बढ़ाया हुआ है, आगे अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर भी क्या कहेंगे? नहीं, दुकानदार हद से ज़्यादा सामान भी वहाँ, हमारे दुकानदार भाइयों को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, है ना, कि ग्राहकों को भी परेशानी है। बिल्कुल निश्चित जो है, लेकिन जहाँ तक अवैध मार्केट की बात है, हमारे यहाँ बुलंदशहर के अंदर ऐसा कोई मार्केट नहीं जो अवैध हो। तो खैर, हमने एक नज़ीर पेश की है वहाँ के प्रशासन ने, योगी जी महाराज ने, कि 30-35 साल से अवैध के कभी का ध्यान ही नहीं गया, लेकिन कल उसको ध्वस्त कर दी गया, किसी की नहीं सुनवाई हुई। नहीं, अवैध मार्केट कोई मंत्र किसी का नहीं चला। बंसल जी, हमारा कहना ये है कि हमने ये नहीं कहा यहाँ पे इलीगल है, अगर हो तो वो तो प्रशासन के मद्देनजर वो उस पर छानबीन करेंगे। हमारा कहना ये है कि अमल होना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। निश्चित मेरा भी कहना यह है, योगी जी का खुद भी कहना यह है, उन्होंने अब से वर्षों पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई भी डग्गे मार गाड़ी नहीं चलेगी, कोई भी डग्गे मार गाड़ियों के लिए कोई किस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, और यदि होगी तो तत्काल उसे हटाया जाएगा। उन्होंने हटाने का काम भी किया है। अवैध यहाँ पे संचालन हो रहा है टैक्सी स्टैंड या ऐसी चीजें, उस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, और अतिक्रमण भी हटना चाहिए। अतिक्रमण यदि है तो हटना चाहिए, और हमारे दुकानदार भाइयों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि निश्चित तौर पर यदि हमारी दुकानों के बाहर कोई जरूर से ज्यादा सामान रखा हुआ है तो उसे वहां से अंदर ही रखना चाहिए। बिल्कुल समझा, और हाँ, यदि क्योंकि कई बार ऐसा ना कि तो सड़कें हमारी यहाँ छोटी हैं, आबादी बढ़ गई सर, ट्रैफिक बढ़ गया। बिल्कुल, नहीं, हमारा जो है हार्ट ऑफ द सिटी, जैसे अंसारी रोड है अपना जो है, इसकी रोड बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। डिप्टीगंज भी हमारा बहुत छोटा है। बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम बहन बेटियों को यही कहना है कि हमारी जितनी रोड है सिटी की वो छोटी है, बिल्कुल छोटी है, और उसमें भी अतिक्रमण हो जाए तो फिर और तो क्या होगा। अतिक्रमण पे लगाम लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और सही बात तो ये है कि यहाँ योगी जी का तो केवल एक फरमान उन्होंने कह दिया है, ये हमारी स्वयं की एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे खुद अंकुश लगाएंगे तो बेहतर लग सकता है। नहीं तो कप्तान साहब तो बहुत यहाँ पे सख्त हैं, बहुत डेड होने। कप्तान सख्त हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं ना कि यदि सख्ती ज्यादा आदमी पेश आता है तो उसका हमारे ही लोग विरोध करने भी आते हैं। नहीं, लेकिन वो 2% होते हैं, लेकिन 98% तो साथ होती है। निश्चित है, कप्तान साहब के साथ भी है। मैं आपको दलील दे दूं, जब योगी जी महाराज पूरे भाजपा पार्टी के अंदर सबसे सख्त है तो 2% ही तो विरोध है, 98% तो उनके साथ है जनता। आपने देखा ना, गुजरात मॉडल को फीका कर दिया है। गुजरात मॉडल कभी फीका नहीं होगा। आप देखें, प्लीज देखें, यूपी मॉडल को तमाम उत्तर प्रदेश के बाहर जितने भी हमारे दक्षिणी भारत है, तमाम योगी जी महाराज के सब वो आशिक हो गए, कहीं ना कहीं उनके भक्त हो रहे हैं, फॉलोअर हैं उनके, आज से नहीं पहले से फॉलोअर हैं, अब ज्यादा हो गए। यूपी मॉडल भी ऐसा कर रहे हैं भाई, व्यवस्था तो देखो देश विदेश में चर्चा है। बंसल जी, पहले की सरकारें कभी इस विषय को लेकर चर्चा भी नहीं करती थी, और जिन लोगों को पालने का काम करती थी आज उनको उन्होंने खुले मन से मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, और मिट्टी में मिलाने का काम भी किया। लोग भेज दिए जेल भेज, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है सही बात है, एग्री, और बिना किसी भेदभाव के। मुझे एक भी शरीफ आदमी का नाम बताइए। बंसल जी, आई एग्री विद यू, आई नो एवरीथिंग। बुलंदशहर में जो माफियाओं की जो यहाँ पे सूची बनी है 36, तो उसमें कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कोई वहाँ पे पक्षपात हो। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मेरा तो बंसल जी फिर वहीं आते हैं अतिक्रमण पे, तो अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण के बारे में क्लियर होना चाहिए। मैंने सुनो, आप इसको मेरे से आप जितनी बार पूछेंगे मैं एक ही बात कहूंगा कि ये व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की बनती है कि इसे हम कम से कम, हमारे दुकानदार भाई भी आपके माध्यम से मैं फिर निवेदन करता हूं कि उनको भी अपनी दुकानों के बाहर सामान नहीं लगाना चाहिए, दुकानों के अंदर अपना सामान रखना चाहिए, क्योंकि ग्राहक तो आपके नाम से आ रहा है, आपके सामान से नहीं आ रहा है। जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, फिर भी कुछ दुकानदार नहीं मानते तो प्रशासन तो कार्रवाई करे फिर। नहीं, बिल्कुल प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है,
और दुकानदारों ने भी ऐसी बात नहीं है अपने आप में जो है कि व्यापार मंडल जितने हमारे हैं यहाँ पर संगठन है व्यापारी व्यापार संगठन उनको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए बंसल जी, समय आ गया है। जी जी नहीं व्यापार मंडल के लिए आप क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे से? वो व्यापार मंडल अपना काम कर रहा है? नहीं नहीं वो भी कहीं ना कहीं बीच में कड़ी का काम कर रहा है। नहीं कड़ी का काम नहीं, वो भी दुकानदारों को समझाने का काम करते हैं। बिल्कुल दुकानदार, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि उन्हें अपना सामान कम से कम जितना आवश्यक है केवल उतना ही रखें और बाकी सब दुकान अंदर होना चाहिए। चलिए बंसल जी, बहुत टिप। सबसे पहले हमारे दुकानदार भाई व्यापारी भाई अपना अति आवश्यकता वाला जो सामान नहीं है उसको अंदर रखें जिसकी ज़रूरत नहीं है, और अतिक्रमण की हदूद में ही रहें, अतिक्रमण ना हो पाए ताकि यहाँ पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके और तमाम बहन बेटियों को आसानी हो सके, सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम चल सके। थैंक यू बंसल।